morning, Jai Hind. And I am Kirti Pandey, and I have brought for you on 11th of August 2021 the daily current affairs. So let's start the class with a beautiful quote that is, "Zindagi jeena aasan nahi hota, bina sangharsh ke koi mahan nahi hota. Jab tak na pade hathore ki chot, patthar bhi bhagwan nahi hota." Right? Finest steel has to pass through the hottest fire. अगर आपको लाइफ में निखरना है, कुछ बनना है, तो उसके लिए कुछ फोर्सेस लगेंगे ना, आपके साइड से फोर्स लगेगा, आपके बॉडी के अंदर से बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको इंस्पायर करेंगे दैट नो यू हैव टू डू हार्ड वर्क. आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, अपने पढ़ाई के पूरे सिलेबस को लाइन अप करना पड़ेगा कि ठीक है, इतना मेरा सिलेबस है, मुझे आज ये कंप्लीट करना है, अगस्त के लास्ट मंथ तक मेरा इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, हर संडे को रिवीजन करना है. बाहर से एनर्जी लगेगा. व्हाट इज बाहर से एनर्जी? बाहर से एनर्जी लगेगा कि व्हाट कोर्सेज यू आर हैविंग, व्हाट टेस्ट सीरीज यू आर हैविंग. तो ये सब बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो आपको हेल्प करेगा किस चीज़ में? आपको अपना गोल अचीव करने में, आपको अपना डेस्टिनेशन अचीव करने में. तो दोस्तों, जो आप पूजा करते हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो वो भी तो पत्थर से उनको तराशा गया है, तो आपको भी तराशने का ज़रूरत है. एंड एवरी डे आई टेल यू दैट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए फ्रेंड्स, इफ 100 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, Guys, believe me, you are having double of it, 200 joule of energy. But the thing is, you have to channelize it. आपको वो energy को बिल्कुल ही एक stream में लाना होगा, channelize करना होगा, ठीक है? It is very deviated. It has to bring, means you have to bring it in a stream. ठीक है? समझ में आया? So, रोज मेहनत करें, रोज goal set करें. Goals are very important. और अगर आप रात में सोने के पहले नहीं सोचते हैं कि आज आप में क्या डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, मुझे कल को एक चैप्टर आता था, मान लो सिविल इंजीनियर्स का स्टील मुझे नहीं आ रहा था, मुझे कंफ्यूजन है, उसका बहुत सारा मतलब रिक्वायरमेंट है, कंसेप्ट्स है, फॉर्मूला है, तो ठीक है, मैं आज स्टील कंप्लीट कर लूँगा. रात में सोचो कि मैं स्टील इंजीनियरिंग आज कंप्लीट कर लूँगा, कल मुझे फ्लूड इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है, आज मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करना है. सो गोल्स शुड बी सेटअप एंड ऑलवेज बी चेक. देखो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने जो मार्ग सोचा हुआ है उसी से आप अपने डेस्टिनेशन में पहुँचोगे, है ना? वो अब जैसे गांधी जी का एग्जाम्पल देख लो. गांधी जी ने पहले क्या किया? पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया, उससे नहीं हुआ, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस किया, उससे नहीं हुआ, फिर क्विट इंडिया किया, है ना? तो वो उनका डेस्टिनेशन फिक्स था कि भारत को आज़ादी दिलानी है, लेकिन वो हमेशा अपना मार्ग बदलते रहे, क्योंकि कभी कभी वो मार्ग जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है कि अभी के टाइम में ये चीज़ सही है ना? पहले आप क्लासेस जाते थे, लेकिन कोरोना में फिर आप ऑनलाइन क्लासेस जाने लगे. सो डेस्टिनेशन शुड बी सेट, गोल शुड बी सेट, बट हमेशा चेक करते रहना है कि भाई मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, अभी ये रास्ता सही है या नहीं. तो वो हमेशा यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग, गाइस. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेली करंट अफेयर्स ऑफ 11th ऑफ ऑगस्ट 2021, वेंसडे, बुधवार, है ना? बुधवार को और क्या बोलते हैं? चलो, तो बोल रहे हैं कि इंडियाज फर्स्ट स्किल ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर इज सेट अप इन विद स्टेट. देखो, सिल्क का प्रोडक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे चारों वेराइटी ऑफ सिल्क मिलती है ना? तसर हो गया, उसके बाद मलबड़ी हो गया, बाकी आप दोनों कमेंट सेक्शन में बताइए, जो बच्चे को पता है कि और दो कौन सा सिल्क है वो जो इंडिया में मिलता है. टोटल चार वेराइटी मिलते हैं सिल्क के, चारों वेराइटी मिलते हैं, ठीक है, चार ही वेराइटी है. अब जैसे बिहार में है एक जगह भागलपुर, वो सिल्क के लिए बहुत फेमस है, कर्नाटका में मैसूर सिल्क के लिए बहुत फेमस है, उसी सिल्क का साड़ी गुजरात में लाया जाता है, वहाँ पे नक्काशी किया जाता है उस पर, फिर जरी का काम होता है, गोल्ड के स्ट्रिंग से उस पर बॉर्डर बनाया जाता है. तो ठीक है, यानी इसका क्या मतलब, इतना बोलने का क्या मतलब? इसका मतलब कि सिल्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं. और यहाँ पे क्या होता है कि वंशज दर वंशज हमेशा सिल्क का उत्पादन होता है, और उसमें जो स्किल्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है? और आपको पता होगा कि हिस्ट्री में भी सिल्क का बहुत बड़ा पार्ट है.
लोगों ने अपना हाथ काट लिया था, उंगली काट ली थी जब अंग्रेज ने एक्सप्लॉयट करने की कोशिश की थी कि कम पैसे पे थे सिल्क का काम करवा देंगे, तो जो सूत होता है उसका उसको ऐसे खींचना होता है, आपको पता है ना सेरीकल्चर कहते हैं, सिल्क का जो काम होता है उसको कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। और एक पत्ता रखा जाता है, कीड़ा पाला जाता है, तो दीज थिंग्स यू नो राइट। यस, तो आंसर्स आई एम गेटिंग फ्रॉम शालिनी भारद्वाज, माई नेम इज कीर्ति पांडे, एंड सुप्रभात, रजत, यस, पवन वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग, शालिनी भारद्वाज, वेरी गुड मॉर्निंग, यस आई टोल्ड यू माई नेम, शिवम शर्मा, गुड मॉर्निंग, नीर मोहम्मद, विशाल पासवान, शालिनी भारद्वाज, आई एम न्यू इन योर क्लास, गर्ल बी रेगुलर, योर करंट अफेयर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सपू लद्दाख बता रहे हैं, रजत असम बता रहे हैं, मानसी पटेल असम बता रही हैं, और कैप्टन अभिषेक, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, और मणिपुर भी बता रहे हैं, पवन विशाल पवन पासवान जी, पासवान जी, सॉरी कल मैं नहीं आया, क्यों नहीं आए थे? चलिए तो देखो गाइस, द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, जो कि किसी ने नहीं बताया, आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये देख रहे हैं, पहले ये घर ऐसा था जहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन का काम किया जाता था, और अब ये घर फिर से ऐसे ट्रांसफर हो गया। वेट, आई शेयर द सेशन, ठीक है, आप लोग तो सेशन को शेयर कर नहीं रहे हैं, तो मैं ही सेशन को शेयर कर देती हूँ, आप लोग को भी पसंद आएगा, तो सेशन को क्या करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। यस, I am sharing, guys. Share the session with me. What are you doing? And like कर दो session को. Running करने के लिए. Oh, very good. तो देख रहे हैं इस कैसे इसका rejuvenation हो जा रहा है. तो ये कौन करवा रहा है? ये करवा रहे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। किस स्टेट में दे रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में दे रहे हैं। Understood? And there are many questions today, so please hurry up. Answers थोड़ा speed बढ़ाओ, मैं भी questions का speed बढ़ाऊंगी, है ना। अब ये question मैंने पहले भी करवाया था, जो बच्चे answer नहीं देंगे उनको बहुत पिटाई पड़ने वाला है। Thank you. तो WHO, World Health Organization, जिसका headquarter Geneva में है, वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे बोल रहे हैं कि भाई इंडिया में एक रिवर है, और उस रिवर का क्या नाम है जिसमें बहुत सारे पैथोजेंस हैं। द रिवर इज नॉट, मतलब यूट्रोफिकेशन समझते हैं आप लोग, अगर कोई भी वाटर बॉडी में, जो कि छोटा सा पॉन्ड होता है या पोखर होता है, पोखर समझते होंगे, पानी जम जाता है, वहाँ पे बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स चला जाएगा। कहाँ से न्यूट्रिएंट जाएगा? सोप वगैरह से बहुत सारा न्यूट्रिएंट चला जाएगा, तो ऊपर में ग्रीन कलर का कवरेज लेयर हो जाता है, और उसी को ओवर न्यूट्रिशन के कारण ये स्टार्ट हो जाता है यूट्रोफिकेशन। यस, रश्मि गौतम, वेरी गुड मॉर्निंग, कृष्णा गोपाल, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलो, सो दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर गाइस, हरी अप, दिस क्वेश्चन हैज बीन डन बिफोर, एंड लाइक कर दो सेशन को, भूल गए आप लोग, सो हाँ अब आ रहा है आंसर, ठीक है। गंजेस नहीं है, नो इट्स नॉट गंगा, यमुना, यस, यमुना इज द आंसर, ठीक है, यमुना आंसर है। WHO का ये सिंबल दिख रहा है, पैथोजन लिस्ट एज क्रिटिकल बाय फाउंड इन रिवर यमुना। यमुना का क्या क्या ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी क्या है यमुना का? केन है और चंबल है, और चंबल किस तीन स्टेट में है? चंबल, ये आप लोग बताइए कि कौन कौन सा तीन स्टेट है जिसमें चंबल के डाकू रहते हैं। फिर टॉन्स है, ये सारे जो हैं वो यमुना की सहायक नदी है। ये यमुना में विलीन होने के बाद यमुना किस में विलीन हो जाती है? गंगा में। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से, बंदरपूज, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अंडरस्टूड गाइज? चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्टीट्यूट ड्राफ्टेड हेल्थ ड्राफ्ट मैनेजमेंट पॉलिसी? कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने ड्राफ्ट कराया अभी हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी? हेल्थ का डेटा रखेंगे और उसको मैनेज करेंगे। देखो, ये इस बारे में ना बात बहुत टाइम से हो रही है, और एक और बारे में बात बहुत टाइम से हो रही है कि टारगेट ओरिएंटेड। टारगेट ओरिएंटेड बोलने का क्या मतलब? जैसे आप लोगों को मान लो कि कुछ भी फीवर वगैरह होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर पैरासिटामॉल खा लेंगे, कालपोल खा लेंगे, इस टाइप का, मतलब कि वो आप कहाँ पे अफेक्टेड है नहीं पता है, बस मुझे पता है कि ये खा लेना है ना,
तो वैसे नहीं होना चाहिए आपके, जहां मान लो किसी को कोई सीवियर बीमारी है, डायबिटीज वगैरह है, या पेरेंट्स में डायबिटीज होता है तो वो ट्रांसफर हो जाता है, लाइक होता है बहुत सारे फैमिली में होता है, ठीक है। तो अब डॉक्टर्स क्या करेंगे, डीएनए के एकदम उसी पोर्शन पर अटैक करेंगे जहां पे वो बीमारी है। क्यों पूरे जगह पे क्यों करना है, ताकि पूरे जगह पे, आजकल एक और चीज होता है ना कि जो बैक्टीरिया वगैरह है वो इम्यून क्रिएट कर लेते हैं, अपने आप को इम्यून कर लेते हैं। मच्छर का देखेंगे ना, गुड नाइट बहुत दिन से जला रहे हैं, उसके बाद क्या होता है कि मच्छर को भी गुड नाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बैठा रहता है गुड नाइट पे, है ना। तो वही चेंज करना पड़ता है केमिकल को बार बार। तो आप बताओ क्या आंसर आप स्किप करने वाले हैं। अच्छा, तो द आंसर इज NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। ए आएगा आंसर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यहाँ पे देखिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज द आंसर। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने किया है द ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी। इनको पता रहेगा कि भाई हमारे ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में इतना घर है, इतने घर में इतना बच्चा है या इतने बूढ़े हैं, इनको ये बीमारी है, तो भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने दवाई की जरूरत है, है ना, समझ में आ जाएगा। अब वो ज्यादा मंगाने से मतलब नहीं, कम मंगाने से मतलब नहीं, वी डेटाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता होगा कि अब द न्यू फ्यूल इज डेटा, अब फेसबुक ऑर्कुट तो गया, फेसबुक इंस्टा, खैर फेसबुक वाला मालिक ही इंस्टा का है, फेसबुक अमेजोन गूगल, इन लोग किस चीज की लड़ाई होती है, डेटा की। आप देखते होंगे कि अगर गलती से आपने कोई भी प्रोडक्ट, मान लो किसी ने कोई ड्रेस देखा मिंत्रा पे, उसको अच्छा लगा, उसने थोड़ा सा उस पर क्लिक करके सर्च कर लिया, अब गूगल भी वही ड्रेस दिखाएगा बार बार, यूट्यूब पे भी वही उसी चीज का प्रचार आएगा, है ना। जहां खोलोगे मोबाइल खुलते ही वो ड्रेस दिखेगा, क्यों, क्योंकि वो लोग आपको बिल्कुल प्रवोक करें, नो यू टेक इट टेक इट टेक इट। तो ये क्या है, मतलब माइंड को डाइवर्ट करना, मोटिवेट करना, मैनिपुलेट करना, इस तरह का काम कर रहे हैं आजकल। तो वो किस चीज से आ रहा है, डेटा से आ रहा है, कि कहां से कैसे पता चलेगा, रूबी गौतम जी ने मिंत्रा पे ये साड़ी देखी तो ठीक है, अब उससे उनको डेटा पता चल गया है, अंडरस्टूड। चलो तो बताओ आंसर क्या है, विच स्टेट असेंबली पास्ड अ रिजोल्यूशन अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंटर। अभी एग्रीकल्चर मार्केटिंग बताया था मैंने फार्म बिल्स पे एक प्रॉपर सेशन लिया है, जिसको नहीं मिल रहा है वो बिल्कुल से प्लेलिस्ट में जाओ और देखो। तो द आंसर इज पंजाब गवर्नमेंट, जहां पे कुछ अच्छा बात आता है आप लोग पटाक से केरला जो बोलने लगते हैं, आंसर इज पंजाब गवर्नमेंट। ये देखिए कैप्टन अमरेंद्र सिंह है, ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, काफी अच्छा है ना यहाँ का पार्लियामेंट नहीं असेंबली, ठीक है। तो इन्होंने ये पास करा है, यूनानिमसली हुआ है, सबने इसको रिजेक्ट किया कर दिया है, क्लियर। आपको पता है कि किसान आंदोलन काफी टाइम से चल रहा है। अब बताओ, इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली गिफ्टेड अ सेट ऑफ 10 वेंटिलेटर्स, 10 वेंटिलेटर दिया है इंडियन आर्मी ने एज अ गिफ्ट। Indian army is very means humble and very giving, right? So we should be proud of our army and we should try that we can also be a part of army and serve the nation, right? अपने देश को देखो, आप अगर patriot है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि army में ही join करके, ऐसे तो बहुत लोग सही time पे tags देके भी अपने देशभक्ति को prove करते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको अपने जज्बे को दिखाना है, अपने देश को support करना है, देश को सर्व करना है, देश के लोगों को सर्व करना है, देन आर्मी इज अ वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटी एंड प्लस योर करियर विल टेक अ वेरी मतलब फ्लाई ऑफ। तो ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी विल बी अ वेरी गुड डिसीजन इफ यू आर इंटरेस्टेड। मैम तो बताओ 10 वेंटिलेटर्स किसको मिला है, तो ठीक है ये नेपाल को मिला है। देखिए यहाँ पे ये नेपाल है, लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, इसलिए ये फोटो लगा हुआ है, बाकी ये जो राजा वाजे हैं। और यहाँ पे है नेपाल टैकल COVID-19, तो इंडियन आर्मी जो है नेपाल सरकार को दिया है 10 वेंटिलेटर्स, अंडरस्टूड, क्लियर है। चलो एंड ऑल माय स्टूडेंट्स, आवाज और वीडियो बिल्कुल क्लियर है ना, डोंट टेल कि मैम इतना बोल दिया आवाज ही क्लियर नहीं आई। यस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेरी गुड मॉर्निंग। लेट मी टेक सम नेम्स, रूबी गौतम आ गई हैं, ठीक है, मयंक आ गए हैं, टेक्निकल सुदीप आ गए हैं, हाँ जी, और कृष्ण गोपाल आ गए हैं, मोहम्मद कमाल, टेक्निकल सुदीप। अच्छा सुदीप आपका नाम ही टेक्निकल है क्या, मम्मी पापा ने पहले ही पता था बेटा इंजीनियरिंग में जाएगा, नाम इसका टेक्निकल रख देते हैं। मैम हिंदी में क्लास नहीं होता, नहीं हिंदी में क्लासेस नहीं होता है ना, जैसे
बोल तो मैं हिंदी में ही रही हूँ, समझ में आ गया होगा। अब जैसे डिफेंस के एस्पिरेंट हैं तो उनको पता है कि इंग्लिश मैंडेटरी है SSB के लिए, तो मान लो उसी बहाने जिनको नहीं आता है वो SSB कर लेंगे। फिर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है जिनको अभी DFC CIL देना है, UP SSSC का आने वाला है, उसके बाद बहुत सारे स्टेट के AE आने वाले हैं, JE आने वाले हैं, ESE का मेंस आने वाला है। तो आप लोगों ने भी पूरा इंजीनियरिंग तो अंग्रेजी में ही पढ़ लिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, पता है ना। चलो आंसर आई एम गेटिंग ए, ठीक है। और जो बच्चे अभी वेंकैया नायडू भी बता रहे हैं और रामनाथ कोविंद बता रहे हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी भी बता रहे हैं, सब एकदम वैरायटी ऑफ आंसर्स आई एम गेटिंग। मैं कोई सुनील अरोड़ा भी बोल दो, जैसे एडमिट कर या कोई भी नोटिफिकेशन आएगा यू विल कम टू नो वाया चैनल, ठीक है, चैनल पे पटाख से पता चल जाता है। अब द बुक टाइटल्ड कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग इज बेस्ड ऑन द थर्ड ईयर ऑफ द ऑफिस ऑफ विच इंडियन लीडर। अब इतना ही दिमाग नहीं लगा लोगे कि करंट अफेयर है, थर्ड ईयर है नरेंद्र मोदी का, फिलहाल है वेंकैया नायडू का थर्ड ईयर है। कभी कभी यू डोंट यूज कॉमन सेंस गाइज, कॉमन सेंस, अफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी अ ऑफिसर, एंड यू आर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी में, यू आर नॉट यूजिंग इवन वन, 15 OLQs, आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट। कपिल आपका नाम भी ले लिया मैंने, चलिए हाँ। तो ये है, याद रखना है, फोटो कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, थर्ड ईयर इन द ऑफिस है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है, प्रकाश जावेदकर कौन है, एनवायरमेंट MOEFCC, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अंडरस्टूड। चलो बताओ कि स्टरलाइट कॉपर ये जो है विच इज इन न्यूज रिसेंटली, अब देखो ये आएगा, ठीक है, जहां से भी साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे बैठे परीक्षा में फटाक से पूछेंगे कि स्टरलाइट कॉपर भैया न्यूज में है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, कॉपर जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्यों, क्योंकि 4s2 नहीं होता है, 4s1 होता है, 3d10 होता है, पता है ना, ये जो 4s1 वाला है, यहाँ पे 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयर्ड नहीं रखता है, काहे कि उसको 3d वाले में पेयरिंग कर देना होता है, ये सब पता है ना, जहाँ पे फुल्ली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है वहां पे कलर नहीं दिखता है और डायमैग्नेटिक हो जाता है, जहाँ पे अनपेयर्ड होता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही जो है घूम घूम के कलर लाता है तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, सब पता है, जानकारी है, नहीं है तो एक बार डिवाइस कर लेना, काम पड़ते रहता है। अब बताओ कि ये तो आंसर है, द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास हैज रिजेक्टेड द रीओपनिंग ऑफ स्टरलाइट कॉपर, पता होना चाहिए, स्मेल्टिंग प्लांट इन तुतिकोडीन जो कि तमिलनाडु में है, स्टरलाइट कॉपर अ यूनिट ऑफ वेदांता लिमिटेड, ये सब जाने का जरूरत नहीं है। देखो ये सब कॉन्ट्रोवर्सी में मत पढ़ो, जब भी न्यूज़पेपर में कोई चटपटा चीज देखो ना, कॉन्ट्रोवर्सी वाला चीज, तो तुम लोग अपना दिमाग एकदम डाइवर्ट मत करो। जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया था 100 joule ऑफ एनर्जी कहाँ जाना है, फैक्ट्स पे जाना है, ठीक है, मैंने सुन लिया ये है, राज कुंद्रा का कहानी सुन लिया कि ठीक है ये बनाता है ऐसा ऐसा वो कुछ कुछ जो भी है, तो क्या करना है उसमें, ये देखना है कि भाई हमारे देश में ऐसा कोई रूल नियम कानून है कि नहीं, लीगल क्या है, इलीगल क्या है, ये सब चीज पे ध्यान देना है। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के कौशल पे ध्यान नहीं देना है, और ये तो बिल्कुल नहीं ध्यान देना है कि शमिता शेट्टी जो है वो बिग बॉस में आ गई है ना, यस। अब बताओ कि कॉमोडोर ये जो है जिनका नाम है कशर, ये जगह है, ठीक है, पटना सेठी गोपाल राव एक वॉर हीरो है, और ये जो है अभी ये पास जगह हो गए, इनका निधन हो गया, इनको महावीर चक्र भी मिला हुआ है, ठीक है, तो इनका नाम है क्या है, पटना सेठी गोपाल राव, अब ये वीर सेवा मेडल भी मिल चुका है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर में इंडिया को सपोर्ट किए थे और काफी बढ़िया प्रदर्शन किए थे। आप लोगों को पता है कि आर्मी में ऐसे तो पोस्ट होते हैं बहुत सारे कि ये पोस्ट वो पोस्ट, उसके कुछ साल हर साल का फिक्स होता है, 3 साल कैप्टन रहोगे, फिर ये बनोगे, फिर मेजर बनोगे ऐसे, लेकिन लेकिन अगर आपने कुछ माइलस्टोन सेटअप कर दिया है, कुछ एकदम ऐसा कर दिया जो मतलब वंडरफुल, तो व्हाट हैपेंस कि आपको
प्रमोशन ऐसे ही मिल जाता है। तो इन्होंने 1971 के वॉर में काफ़ी ज़्यादा जिसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस लिली, और ये कराची कोस्ट पे थे, ठीक है, ये मत सोचना कि बांग्लादेश वाले कोस्ट पे थे, ये वेस्टर्न फ्लीट में थे, और इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। और 4 दिसंबर 1971 को इन्होंने अपने एनिमी पे अटैक किया था, सबमरीन अटैक, और इनको बहुत सारा अवार्ड मिला है, लेकिन इनका निधन हो गया है। अपने वॉर हीरोज को हमेशा याद रखना गाइस, वी गेट वेरी मतलब इंस्पिरेशन है ना, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। अब बताओ कि NRA काफी न्यूज में रहता है, NRA, ठीक है, तो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ NRA दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर कंडक्टिंग कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको पता है कि आप जैसे SSC का एक प्रिपरेशन करते हो, बैंक का प्रिपरेशन करते हैं, या फिर किसी भी वेरियस एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या होता है कि अब ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, वहाँ 100 रुपये, आप बैंक में तो और महंगा होता है, 1200-1300 चला जाता है ना, तो ये यहाँ फॉर्म भरो, वहाँ फॉर्म भरो, साइबर वाला भी पैसा ले रहा है, मतलब लगता है कि स्टूडेंट नौकरी लेने गया, पैसा बांट गया। तो सरकार ने बोला नहीं, NRA करेंगे, एक एग्जाम PT, एक कॉमन हो जाएगा, उसके बाद PT निकलेगा, तो भाई जिसका जिसको भरना है उधर मेंस चले जाना। और NRA के स्कोर पे पता है आपको गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा, प्राइवेट जॉब भी मिल सकता है। जैसे गेट का पेपर होता है ना, तो गेट में जो लोग क्वालिफाई करते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है ऐसे होगा तो ये मिलेगा, PSU मिलेगा, लेकिन अगर कभी कभी अच्छा स्कोर रहता है तो प्राइवेट कंपनी वाले भी उसको कंसिडर करते हैं और आपको जॉब दे देते हैं। तो उस तरह से है गाइस, क्लास 8 बजे से शुरू होता है, ठीक है, थोड़ा सा ये भी कंसर्न है, 8 बजे से क्लास शुरू होता है। गुड मॉर्निंग, नेपाल आंसर दे रहे हैं, सुरजीत जी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, रश्मि गौतम का भी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी गाइस, कमेंट कभी कभी ना थोड़ा लेट से मिलता है, तो डोंट पैनिक, ठीक है, आई रीड ऑल द कमेंट्स, डोंट थिंक कि मैम ने नहीं पढ़ा। जैसे कि किसी का नाम जो है काफ़ी टेक्निकल होता है, जैसे 20 TCE 044, इनका जो नाम है, अब बताओ इसको तो पढ़ने ही में मेरा आधा टाइम चला जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल आंसर है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये देखिए आपके एजुकेशन मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं एकदम जोर से, आप लोग भी खुश हो जाइए कि भाई ठीक है, SSC, RRB, IBPS सब जो परीक्षा है अब एक ही देना है, NRA। आप लोग काफ़ी लकी हैं ना, हम लोग के टाइम बहुत पैसा बर्बाद होता है फॉर्म भरने। अब बताओ कि द पुलिस ऑफ विच कंट्री, विच सिटी शहर हैज बैंड द फ्लाइंग ड्रोन्स टिल नवंबर 2028। बोले कि भाई 28 नवंबर तक जितना पतंग उड़ा रहे हो, पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, ये क्या उड़ा रहे हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं, ड्रोन समझते हैं आप लोग, ड्रोन समझते हैं ना। अब तो ऑस्ट्रेलिया में ड्रोन से जैसे जोमेटो करोगे तो आदमी नहीं आएगा, बोलोगे कि मुझे अपने बालकनी में चाहिए फूड डिलीवरी, तो ड्रोन से आ जाएगा वहाँ पे, बालकनी में दे देगा एकदम फूड डिलीवरी गरम गरम, बस केक रहेगा तो उसका कोई गारंटी नहीं, हिला उला खिलाया तो ड्रोन। हाँ जी, तो देखिए मुंबई है आंसर, ठीक है, काफ़ी आप लोग गलत सलत आंसर देने लगते हैं फटाक से, तो मुंबई है आंसर, इन्होंने बैन कर दिया है, मुंबई पुलिस ने बैन कर दिया है ड्रोन को, ठीक है। थोड़ा बहुत ये सब ना मतलब बोलोगे मैम इतना थोड़ी याद रहेगा, ऐसे थोड़ी याद रहेगा मुंबई है या जो भी है, सुनते जाओ, जैसे कि आप बहुत बार रामायण सुनते जाते हैं फिर याद हो जाता है, हनुमान चालीसा बहुत बार सुने होंगे बचपन में फिर याद हो जाता है, फिर अपने पास से अगला जो है पैराग्राफ खुद ही निकलने लगता है, तो वैसे ही आप सुनते जाइए याद हो जाएगा, अंडरस्टूड, बस आके जितना मैं खटपट बोल रही हूँ सुनते जाना है और कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है। विच इंडियन स्टेट हैज पास्ड ऑर्डर फॉर 7.5 रिजर्वेशन टू गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट, कि बोले कि भाई हम जो है 7.5% गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट को रिजर्वेशन देंगे, सही स्टेप है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में आजकल कौन ही पढ़ रहा है ना, आप लोग को भी पता होगा, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, उनके भी क्रेडिबिलिटी को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी सोचेंगे कि ना आई विल डू मेहनत एंड जाएंगे वहाँ पे। अब तो पता है ऐसा भी शुरू हो गया है कि बहुत सारे IITs के कैंपस में ही स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय वगैरह शुरू हो गया है, ताकि स्टूडेंट को मोटिवेशन मिले कि भाई मुझे इस स्कूल से निकलते सामने वाले कॉलेज में एडमिशन लेनी है बस। सो ये है तमिलनाडु, ये नीट कोटा बिल शुरू किया गया है, गवर्नमेंट स्कूल को काफ़ी ज़्यादा वो लोग इंस्पायर कर रहे हैं कि भाई वहाँ के बच्चे भी आए, प्राइवेट खाली पैसा वैसा वाले नहीं आए। अब जैसे एक शहर में मैं बताऊँगी नहीं अपना शहर, लिट्रा वैली नाम का स्कूल है, लिट्रा वैली काफ़ी ज़्यादा पैसा लेता है, इसको अब लुटेरा वैली कहते हैं,
बहुत पैसा लेते हो और अपने सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट को पता नहीं कितना कितना नंबर दे देते हैं। तो ये सब नहीं करके क्रेडिट को आगे बढ़ाना है ना, मेरिट को आगे बढ़ाना है। इन विच सिटी द नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम इज प्रपोज टू सेटअप। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोगों को काफी जानकारी होगा, ये यहाँ से अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से जर्मनी गए, नाम बदल के जापान गए, जापान से सिंगापुर गए, वहां पे आर्मी इकट्ठा की, फिर इंडिया पे एकदम चढ़ चढ़ के अंग्रेजों को मारना शुरू किया, कोहिमा में झंडा भी लगा दिया। तो काफी पता है ना आप लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। काफी लोग कहते हैं कि शायद नेताजी रहते तो देश का रंग रूप कुछ और ही होता। तो खैर अपनी अपनी सोच की बात है ये। तो राजू रजक जी आपका नाम ले लिया मैंने, चलो जगदीश मंडल जी आपका भी नाम ले लिया मैंने, प्रशांत सोनी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सो ये है कोलकाता, ठीक है, इन्होंने ये है तो बंगाली आपको पता ही है, नॉट मोर देन इंडियन। तो सबसे बड़े भारतीय और देशभक्त थे ये, और 29 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ है, 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हुई थी, प्लेन क्रैश में मर गए थे ये, ऐसा माना जाता है। उस पर भी अभी बात काफ़ी बातें होती रहती हैं। 18 अगस्त इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगस्त का महीना है, ठीक है, और 125th बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पराक्रमा से उस पर अटैक कर दिया था, ठीक। तो ये इनका म्यूजियम कहाँ सेटअप होने वाला है? कोलकाता में, ठीक है। अभी का बात कर रही हूँ ना इस करंट अफेयर का, पहले होगा लेकिन अभी करंट अफेयर का बात हो रहा है। अब देखो इस्टोनिया, एवरी टाइम आई ट्राई कि मैं मैप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूँ, क्योंकि मैप से क्वेश्चन आते हैं, अगर इंडिया के ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन मोर देन 90% चांसेस है कि वो मैप से होगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी अगर आपको कहीं पे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं तो वो मैप से आ सकते हैं क्वेश्चन। तो मैप प्रैक्टिस कराना मेरा फर्ज है। आप बताओ कि इस्टोनिया किस कॉन्टिनेंट में? हरियाणा कटक में है म्यूजियम गाइस, ऐसे तो पटना में भी म्यूजियम है, लखनऊ में भी म्यूजियम है, लेकिन कभी कभी मतलब जो चीज न्यूज में वो बता रही हूँ, ठीक है। सो द आंसर इज यूरोप, ठीक है, एस्टोनिया यूरोप में है, अफ्रीका में मत सोचो, ठीक है, इज अ कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप। ये देख रहे हैं आपको एस्टोनिया है, यहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्री है, फिनलैंड है, एकदम ऊपर में रशिया, लिथुआनिया, रशिया, पोलैंड, ये सब इससे सटा हुआ है। रहेगा अब बताओ जास्कर वैली, जास्कर वैली आपको पता है कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का मैं बहुत सारा मैप प्रैक्टिस करवाती हूँ, आप मेरे प्रीवियस सेशन में भी देख सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन है, अभी मैप नहीं है। जास्कर वैली एरिया वेयर स्टेट ओन CESL इज सेट टू इम्प्लीमेंट एनर्जी इफिशियंसी प्रोग्राम इज लोकेटेड इन विच स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये बताओ। नीर मोहम्मद का आंसर आ रहा है, ठीक है, सी बता रहे हैं, लद्दाख बता रहे हैं, लद्दाख लद्दाख, आई एम गेटिंग द आंसर्स लद्दाख, अच्छा ठीक है। तो लद्दाख जो आप लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जासकर वाले तो लद्दाख में ही ना, तो कॉमन सेंस अप्लाई किए हैं, गुड, लाइकिंग इट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है ये, ठीक है, और जासकर वैली में लगा है, याद रखना, ठीक है, इसको बस इतना ध्यान रखना, जासकर वैली लद्दाख में, अभी इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा। यमफबा CESL लद्दाख, वेरी गुड। अच्छा विशाल पासवान बीच में गोवा भी बताने लगते हैं, इनको गोवा जाने का बहुत मन है ना, गोवा में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं बताइए। Which state is set to form an economic advisory composed of Esther Duflo and Raghuram Rajan? आपको पता है ये one of the most intelligent economists है अपने country के, हाँ। इनके बाद उर्जित पटेल बने थे गवर्नर, और अभी कौन है? शक्तिकांत दास हैं। Hi श्रद्धा, श्रद्धा is today also she is late. Guys class का time जो है ना वो 8 बजे, 8 AM, ठीक है। अब 8:30 बजे प्रॉक्सी मारने मत आया कीजिए आप लोग, 8 AM मीन्स 8 AM, 8 बजे आ जाना है। लद्दाख में सिंधु यूनिवर्सिटी भी ओपन होने वाली है, ठीक है। गोवा में दो डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा जी। तो देखिए ये तमिलनाडु का स्टेट है जिन्होंने ये एडवाइजरी काउंसिल बनाया हुआ है, इसमें नोबेल रोडिएट है,
नोबल लॉरियट है, एस्थर डफ्लो फॉर्मर रिजर्व बैंक के गवर्नर है रघुराम राजन, और अरविंद सुब्रमण्यम जो कि एक इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर है वो भी बैठेंगे इसमें, और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्रपोज किया गया। अंडरस्टूड? अब बताओ विच क्रॉप हैज बीन आइडेंटिफाइड एज एन ऑल्टरनेट फीड स्टॉक सोर्स फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया। भाई हम लोग अब पेड़ पौधा से इथेनॉल प्रोडक्शन करेंगे, तो ये जो पेड़ पौधा से इथेनॉल प्रोडक्शन करेंगे ये कौन से क्रॉप से करेंगे ये बताइए। सुरजीत जी का नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आंसर बिल्कुल सही है, यस यस यस, चेन्नई चेन्नई, यू आर टेलिंग नो, चेन्नई इज नॉट द आंसर गाइज, बॉम्बे आंसर है, चेन्नई कौन बता रहा है, सुरजीत जी बता रहे हैं चेन्नई, ठीक है हाँ जी। अब बताओ आंसर मैम, मैं थर्ड क्वेश्चन से हूँ आपके रिजल्ट, कोई बात नहीं, थर्ड क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन से नहीं है ना, नजर गई थी फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं गई इसीलिए। तो कसावा आज भी बारिश हो रही है क्या श्रद्धा? कसावा जो है ये इसको बने देखो इस टाइप का, ठीक है, अड़ुई जैसा दिख रहा है ना, अड़ुई समझते हैं आप लोग, हर जगह अड़ुई का अलग अलग नाम है, तो आपके स्टेट में क्या नाम है मुझे नहीं पता, आलू जैसा दिखता है और ऊपर में थोड़ा मिट्टी मिट्टी टाइप होता है, उसको छीलने से फिर उसको सब्जी में डाल के खाया जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो खैर उस कसावा जो है इससे क्या बनाएंगे हम लोग, इथेनॉल बनाएंगे, इथेनॉल। अच्छा इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, इथ है तो दो कार्बन होगा है ना, और ओल है तो OH होगा, और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन भर दो, यही है ना इथेनॉल का फॉर्मूला, इफ आई एम रॉन्ग टेल मी दिस। विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फिफ्थ इंडियन स्टेट एंड 125th ग्लोबल स्टेट टू जॉइन द अंडर टू कोलिजन, बताओ। स्वीट पोटैटो, नो नॉट स्वीट, स्वीट पोटैटो इज मीठा आलू इज अनदर थिंग, एक अड़ुई की, हाँ अरबी कहते हैं ठीक है पंजाब में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दुबई वाला अरबी, C2H5OH, सॉरी सॉरी, हाँ वो तो मिथेनॉल हो गया ना, इस मतलब दो कार्बन हो जाएगा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, यस OH, वो सी एक कार्बन तो इथेनॉल हो गया, आई नो दिस, ये मिथेनॉल ये इथेनॉल फिर ये प्रोपेनॉल है ना, ये ब्यूटेनॉल, थोड़ा सा स्लिप हो गया, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे एक कार्बन हो जाएगा, चलो ठीक है, थैंक यू कार्तिक राजा। विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फिफ्थ इंडियन स्टेट एंड 125th ग्लोबल स्टेट टू जॉइन द अंडर टू कोलिजन, ये बताओ जल्दी से। ये बताइए जल्दी से आंसर्स, महाराष्ट्र बता रहे हैं, अच्छा ठीक है तो महाराष्ट्र है, ठीक है देखिए ये लोग ऐसे मतलब सूखा के कारण, अच्छा एक बात बताओ ये फोटो में ये जो सॉइल है जो ऐसे मतलब कॉम्पैक्ट हो के ऐसे बीच बीच में क्रैक हो गया, ये किस सॉइल का फीचर है ये बता सकते हैं आप लोग, ये जो सॉइल है ये कौन सा सॉइल हो सकता है, ये किस सॉइल का फीचर है ये बताओ जल्दी से, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ कि 125th ग्लोबल स्टेट है अंडर टू कोलिजन, जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल ने तो किया ही किया है, फिफ्थ स्टेट कौन सा बन गया, महाराष्ट्र बन गया है, और ये पेरिस एग्रीमेंट वाले एक्शन में एम्बिशियस क्लाइमेटिक स्टेप लेगा। पेरिस क्लाइमेट कब हुआ था मीटिंग, 2015 में हुआ था, ठीक है। ब्लैक सॉइल का, वेरी गुड, ब्लैक सॉइल का, ब्लैक सॉइल क्या करता है पानी को बहुत ज़्यादा रिटेन करता है, और पानी जब सूख जाता है तो पानी जो है वो पानी सूख जाएगा तो ये एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, बीच में ऐसे ऐसे एकदम बड़ा बड़ा सा मतलब गिर ना जाए आप लोग, ठीक है बड़ा बड़ा सा गड्ढा हो जाएगा इसमें, यस। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अचीव 100% फर्स्ट डोज कवरेज फॉर COVID-19। और कल वाला सेशन बच्चे कम देखा है आप लोगों ने, करंट अफेयर का मैंने बताया है, दिस इज द रूल ऑफ साइंस, ठीक है साइंस से चलता है, हर चीज का एक क्रोनोलॉजी होता है, ये कल वाला सेशन नहीं देखोगे तो आज थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, आज नहीं देखोगे तो परसों कम समझ में आएगा, तो इसलिए सीक्वेंस में देखें, एंड माय रिकमेंडेशन इज भले डबल स्पीड में देख लो लेकिन कल यानी कि 10th of August में बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQ करवाए गए हैं, गो एंड वॉच इट, नॉट जोकिंग, देख लो मतलब ऑन एन एवरेज, आज तो 30 से ज्यादा है क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज अगर आपको 30 MCQ करवा दिया जाए 300 दिन, तो एक महीने में आपके पास 900 क्वेश्चन है, इट इज अ बिग डील, ठीक है करंट अफेयर्स में एक महीने में 900 क्वेश्चन से ज्यादा, और कभी कभी तो ज्यादा भी आ जाता है, जैसे मैं मंडे को 50 क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो 1000 क्वेश्चन यू आर हैविंग ऑन करंट अफेयर्स फॉर अ मंथ, मतलब अगस्त महीने में आपके पास 1000 क्वेश्चन है, SSC JEE में आएगा क्या इस 1000 क्वेश्चन के बाहर, नेवर, इट कांट कम, नो।
पर आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा और बार बार चीज़ों को रिवाइज करके मतलब दिमाग में स्टोर भी करना होता है ना। स्टोर कैसे होता है? रिविजन होते हैं। तो आंसर इज लद्दाख। ठीक है, आंसर लद्दाख के किस क्वेश्चन का देख लो। 100% विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अचीव 100% फर्स्ट डोज। फर्स्ट डोज है पूरा, दोनों डोज मत खिला पिला देना कवरेज। यस, तो दिस इज लद्दाख। ओके, अंडरस्टूड। आयरलैंड में दोनों हो गया है, इसराइल में भी दोनों हो गया है। ठीक है, इसराइल में भी दोनों हो गया है, वर्कआउट हो। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं आप लोग? चलो ठीक है। What is the name of the operation launched by Indian Navy to protect Indian vessels in the Gulf region? ठीक है, वैनिला आपको पता है क्या होता है, मडास्कर में गए थे हम लोग, है ना। तो ये इसका नाम बताओ ऑपरेशन का। What is the operation? What is the name of the operation? ऑपरेशन संकल्प है, संकल्प। हाँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं सही बता रहे हैं, बी 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 जो बता रहे हैं, नीरव अहमद बताएं, पवन वर्मा बताएं। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प है बिल्कुल। गल्फ ऑफ ओमान में ये लोग अपने वेसल्स को प्रोटेक्ट करेंगे। क्लियर। चलो ये देखो जा रहा है शिप। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर बीइंग क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए डिजिटल इकोसिस्टम बनाएंगे। डिजिटल इकोसिस्टम का क्या नाम है? हाँ श्रद्धा, बहुत लेट आंसर आया है, वेरी गुड। तो इसका नाम है, देखिए स्टॉक लगा देना, स्टॉक ऐसे स्टॉक इंजीनियरिंग भी होता है पता है ना, एग्री स्टॉक। एग्री स्टॉक इज द नेम ऑफ द डिजिटल इकोसिस्टम। विच ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड 105 मिलियन यूएस डॉलर का लोन टू इम्प्रूव द वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन वेस्ट बंगाल। कौन देते रहता है पैसा? पता ही होगा, हर टाइम देते रहते हैं। रूरल रोड के लिए भी महाराष्ट्र को पैसा दिया है। तो पैसा देते रहता है वर्ल्ड बैंक। रूरल रोड के लिए एडीबी दिया था, मनीला में है एडीबी, मनीला में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक दिया है वेस्ट बंगाल को। बोला अरे पानी नहीं, थोड़ा शुद्ध करिए भाई साहब, है ना, बहुत गंदा पानी चल रहा है। ये कल भी क्वेश्चन ये करवाया हुआ है, ये बताओ जल्दी से आंसर। यस्टरडे आल्सो आई हैव डन दिस क्वेश्चन। नेवीज ऑफ विच टू कंट्रीज हैव कंडक्टेड एक्सरसाइज ज़ायद तलवार 2021। क्लास के बाद आप लोगों को क्या करना है पता है ना, कल वाला सेशन को इंटू टू स्पीड में देखना है पहले बैठ के, और फिर 10:30 बजे आई हैव ब्रॉट बहुत सारा एमसीक्यू ऑन ओलंपिक्स। बट दिस विल, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको बताइए थोड़ा सा चलना पड़ेगा और आना पड़ेगा इंजीनियर्स अड्डा पे। एंड गाइस माय रिकमेंडेशन है सारे बच्चे देखेंगे इसको, ओलंपिक्स अपडेट एकदम फटाक से तुरंत में बहुत सारे क्वेश्चन आई विल डू, नॉट वेट फॉर द आंसर्स। ठीक है, तुरंत तुरंत क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर वीडियो सही से प्ले नहीं हो रहा है तो आप लोग थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें। ठीक है, मैंने भी रिफ्रेश किया तो फिर वीडियो सही हो गया। कभी कभी क्या होता है, लैग हो जाता है, 10-15 सेकंड का लैग हो जाता है, इसलिए नहीं होता है। सो द आंसर इज, यस द आंसर इज इंडिया एंड यूएई। ज़ायद तलवार जो है वो इंडिया और यूएई के बीच में हुआ है। याद रखना नेवल है, इसलिए फोटो एवरी टाइम ब्लू फोटो आई एम शोइंग यू बिकॉज दिस इज अ नेवल एक्सरसाइज। अंडरस्टूड? नेवी कंडक्ट बायलेटरल ऑफ कहाँ पे? अबू धाबी में। गाइस जितना भी आपका एग्जाम्स है उसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिल के एक कोर्स बना रहे हैं। एक कोर्स क्या, बहुत सारे कोर्स बनाए हैं, मतलब ये एकदम कस्टम कस्टमाइज है। जिस बच्चे को महापैक चाहिए उनके लिए महापैक है, सेमी महापैक है, वीडियो कोर्स है, लाइव कोर्सेज है। तो आपको जो बेस्ट लगता है वो आप ले। अगर तुरंत एग्जाम है तो माय सजेशन इसकी टेस्ट सीरीज ले लो। ठीक है, टेस्ट सीरीज ले लो, बहुत प्रैक्टिस करो एकदम। एक दिन में बनाओ यार, धड़ धड़ 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, है ना।
ठीक है, तो ये बनाइए और क्या करो इसके लिए, क्या करना है, अड्डा के ऐप पे जाना है। अड्डा के ऐप पे आप अपना बेस्ट, जो भी आपको प्रीमियम पैक दिख रहा है, महा पैक दिख रहा है, टेस्ट सीरीज दिख रहा है, वट एवर सी, ओनली यू कैन डिसाइड वट इज द बेस्ट फॉर यू, अदर पीपल कैन ओनली सजेस्ट। एंड यू नो, अभी आप इतने बड़े हो गए हैं सारे बच्चे कि इनको पता है कि आपके लिए बेस्ट चीज़ क्या है, सो यू गो सेलेक्ट देयर और आपको पता है कि करियर के किस पोर्शन में कब इन्वेस्ट करना है। सो आई थिंक कि अभी बाहर तुम लोग इतना जो पिज्जा और डोमिनोज खा लेते हो, इससे अच्छा है कि यही कर लो, रक्षाबंधन में बहन को गिफ्ट दे दो कि बहन बैठ के पढ़िए घर में। और दिस यू कैन डू 77% ऑफ ऐप पे 78% हो जाएगा, क्यों, कॉइन अप्लाई करोगे तो 78% हो जाएगा। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, ऐसे ही थोड़ी मिलेगा डिस्काउंट। अब टेस्ट सीरीज पे 82% का डिस्काउंट चला जाता है, तो ये ऐसे थोड़ी मिलेगा। यहाँ पे आपको कोड यूज करना है Y332, ठीक है, दिस इज द मैजिकल कोड, Y332 इज द कोड, इसको यूज करना है एंड देन यू विल गेट डिस्काउंट फॉर वट एवर कोर्स यू वॉन्ट। एंड दिस इज द थिंग, डिसाइड, डोंट वेस्ट योर टाइम। और दीज ऑफर्स आर लिमिटेड ऑफर्स, ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा, ये लिमिटेड ऑफर्स है, इसको अप्लाई करो अभी, डिसाइड करो एंड गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, विच कंट्री हैज स्टॉप्ड द मेडल टैली, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था इसलिए मैंने क्वेश्चन ही लिया। तो मेडल टैली किसने टॉप किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया है, भाई बहुत सारा गोल्ड है इनके पास, है ना, 29 गोल्ड है, 39 गोल्ड है, इंडिया का टोटल 39 मेडल भी नहीं होगा आज तक में, 39 क्या यार, इतना ही मेडल होगा। तो ठीक है, तो ये इनके पास इतना गोल्ड है, अभी है क्वेश्चन, वो क्या मांग रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर चाइना, फिर ऐसे ऐसे, इंडिया का शायद रैंक 33 आई गेस, मैंने कल देखा था यहाँ पे 48 लिखा था, रैंक भी 48 है और रैंक बाय टोटल में 33 है, क्योंकि बहुत बार एक ही रैंक में काफ़ी सारे कंट्री है ना, तो उस तरह से है, देख लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट जो है अमेरिका है, सेकेंड चाइना है, हर चीज़ में ये लोग आ गए हैं। अच्छा, चीनी जो बच्चे होते हैं वो हमसे ज़्यादा कैसे गोल्ड लाते हैं, मतलब हम भी डेवलपिंग कंट्री, वो भी डेवलपिंग कंट्री, सब एक ही बराबर है। अब बताओ, विच कंट्री होस्टेड द 8th जस्टिस मिनिस्ट्री मिनिस्टर्स मीट, ये जस्टिस मिनिस्टर्स का मीट किस कंट्री ने होस्ट किया है, ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन, कलर चेंज कर देते हैं, रेड से बोर्ड हो। विच कंट्री होस्टेड द 8th जस्टिस मिनिस्टर्स मीट ऑफ 2021 ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया, ताजिकिस्तान, चाइना की, रशिया। अच्छा, इंडिया का रैंक 47 है, ओके ओके ओके, इंडिया का रैंक जो है वो ओलंपिक में 47 है। माय स्टूडेंट्स आर मोर अपडेटेड, यस, सो आई लाइक दिस थिंग, वो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बच्चे को इनरोल करते हैं गेम्स में, ठीक है, मार मार के गेम्स खेला। अच्छा, तो आंसर जो है वो ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान जो है आपको पता है 1991 में USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, USSR का चकना चूर में तोड़ दिया था एकदम टूट टूट के, तो उसमें से एक जो कंट्री था वो ताजिकिस्तान था और इसके डिसइंटीग्रेशन हो गया 8th जस्टिस मीटिंग में। जस्टिस मीट कौन है, किरण रिजिजू है जस्टिस मीट और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हैं ये, अंडरस्टूड। Which of these Prime Minister of the Independent India is the first? ये बहुत बार मैंने बताया, देखो UNSC, ठीक है, United Nations Security Council में total 15 members होते हैं, जिसमें से 5 permanent member है, ये आपको पता होना चाहिए, 10 non-permanent member है, जो हर 2 साल के लिए चेंज होते रहते हैं, ठीक है, 5 जो है वो मान लो ऑड ईयर्स में सेलेक्ट हुए, 5 जो है इवन ईयर में सेलेक्ट हुए, तो हर बार 10 मेंबर जो है वो रहेंगे ही रहेंगे। अब इंडिया पहली बार सेलेक्ट तो नहीं हुआ है, पहले भी सेलेक्ट हो चुका है मेंबर्स के लिए, लेकिन जैसा क्वेश्चन में, फर्स्ट टू चेयर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ओपन डिबेट आफ्टर अज्यूमिंग द प्रेसिडेंट बाई ऑफ द मंथ, द प्रेसिडेंसी ऑफ द मंथ। तो बेसिकली बात क्या है भाई, कि हम लोग को मेंबरशिप के साथ साथ अध्यक्षता भी मिल गया है, ठीक है, वी आर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन बच्चे विवाद में मत पड़िएगा कि क्या हम लोग भी परमानेंट मेंबर बन सकते हैं, बोलने वाले के लिए ठीक है, लेकिन वॉट प्रैक्टिकली आई हैव सीन कि अभी बहुत मुश्किल है, अभी बहुत मुश्किल है भाई। चाइना आपका एक परमानेंट मेंबर है,
वीटो है उसके पास, है ना। अब इसके पास वीटो है तो हम लोग कहाँ से बनेंगे, तो नहीं सोच सकते। रशिया के साथ रिलेशन अच्छा है, जापान, यूएसए सबके साथ अच्छा है, लेकिन चाइना वाला क्या करोगे, तो अभी तो नहीं बन सकते। और ये कौन बनेगा, ये कौन बनेगा प्रेसिडेंट, ये जो है देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो नरेंद्र मोदी देखे यहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, है ना, 3-4-12 लोग यहाँ, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, अंडरस्टूड गाइस, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट। 4-4-16 हो गया, एक और, अच्छा एक जो है वो यूएन का आदमी रहेगा, तो 15 मेंबर हो गए और एक यूएन का आदमी रहेगा, तो टोटल 16 लोग दिख रहे हैं आपको, ठीक है। द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द ग्लोब ऑन विच डेट, नाउ हम थोड़ा हड़िया कड़िंग, तो 10th ऑफ ऑगस्ट को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना डेज आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होते हैं ना, जैसे एसएससी जेई वाला एग्जाम, एक दिन में कितना कितना एग्जाम हो रहा है, 2 शिफ्ट सिविल का हो रहा है, 2 मैकेनिकल का हो रहा है, इलेक्ट्रिकल का हो रहा है, तो इसमें डेज आ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना। फिर एयरफोर्स में भी एक्स वाई ग्रुप में बहुत दिन में हो जाता है। चाइना होने नहीं देगा, सही बात। चलो, तो द इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 इज द 7th एडिशन ऑफ द एनुअल मिलिट्री वॉर गेम्स ऑर्गेनाइज्ड एनुअली बाय विच कंट्री, ये बताओ जल्दी से, बताइए हरिया। वेटिंग, आई विल काउंट ओनली 3 नाउ, 1, 2, 3 हो गया, चलो 5 कर लेती हूं, 4, 5 आंसर्स आर नॉट गेटिंग। तो ये देखिए कौन कहां पे हो रहा है, ये इंडिया में हो रहा है, इंटरनेशनल गेम्स, ठीक है, बाय रशियन डिफेंस सिंस 2015 है, रशिया में, ये रशिया के द्वारा होता है, इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए यहाँ इंडियन आर्मी का लोगो लगा हुआ है, अंडरस्टूड। 101 मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल आर्मी गेम में, जो कि कौन कराता है, रशिया कराता है, इसका 7th एडिशन करवा रहा है। हु रिप्रेजेंट द इंडियन डेलीगेट एट 8th मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस मीट, ये तो हो गया ना, किरण रिजिजू जो है वो आएंगे यहाँ पे, ये इसको करेंगे, क्लियर है। चलो, 10th ऑफ ऑगस्ट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एट एलिफेंट डे, लायन डे, टाइगर डे, की फिश डे, ऐसे टाइगर डे तो पता होगा आप लोगों को, 29th of July होता है। विच इज योर फेवरेट फिश, अब वो तुम लोग अपने सोचना कि पालने के लिए पूछ रही हो कि खाने के लिए पूछ रही हो। यस, इट इज वेरी वेरी मच सफिशियंट फॉर सीडियस, दिस इज माई गारंटी। ऑगस्ट चल रहा है, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, 14th of November को एग्जाम है, और मेरा प्लान ये है कि इस 3 महीने में सिर्फ करेंट अफेयर्स ही ना कराया जाए, पिछले 3 महीने का भी एक बार सम अप दे दिया जाए, सो डोंट वरी, इट इज वेरी वेरी मच सफिशिएंट। फिश डे बता रहे हैं, लायन डे आंसर है गाइस, 10 अगस्त जो है वो 10th ऑफ अगस्त वो लायन डे आंसर है। डू यू लाइक टाइगर मोर या लायन मोर, आई लाइक लायन मोर देन टाइगर्स। टाइगर्स पता नहीं वो लोन अटैकर्स होते हैं ना, मतलब अपने झुंड में नहीं चलते, थोड़ा नेगेटिव टाइप के लगते हैं। फिर सिम्हा में भी टाइगर को है वो नेगेटिव दिखाया, नहीं सिम्हा में नहीं, मोगली में टाइगर को नेगेटिव दिखाया गया, तो सिम्हा में लायन को पॉजिटिव दिखाया गया था, तो आई लाइक लायंस। चलो, विच इज द फर्स्ट स्टेट ऑन इंडिया टू सिक्योर टू इशू ऑर्डर रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये बताओ। अरे अगले साल नहीं दिख रहे यार, कमेंट थोड़े 10 मिनट बाद समझ लो, ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मेरा नाम गाइस एवरी टाइम यू आस्क माय नेम, माय नेम इज कीर्ति, स्टार्टिंग में बोला था मैंने पांडे, हाँ जी, नॉट चुलबुल पांडे ग्रुप, AIIB आंसर गलत बता रहे हैं, EDB आंसर का है ना, चलो ठीक है। सो द आंसर इज कर्नाटका बना है पहला स्टेट जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा, ऐसे भी कर्नाटका थोड़ा पढ़ाई लिखाई में आगे रहता है, ठीक। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम, देखो काकोरी कॉन्स्पिरेसी बोला गया था, है ना, षड्यंत्र उसको बोला ना, काकोरी ट्रेन एक्शन है, तो जहां पे है काकोरी वहीं का स्टेट है, कौन सा स्टेट है, उत्तर प्रदेश। काकोरी हत्याकांड बोल रहे हैं, नहीं काकोरी हत्याकांड बोल रही हूँ,
कॉन्स्पिरेसी एक तरह का षड्यंत्र था, उसको मैंने नहीं लिखी, ये एक्शन था, प्लान था। और ये कब हुआ था, 1925 में हुआ था। आपको पता है चंद्रशेखर आजाद भी इसमें इन्वॉल्व थे, और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं आना चाहते थे, इसलिए उनको उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। ये बताओ विच फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट्स बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th ऑफ अगस्त। कल किसका बर्थ एनिवर्सरी था, पुराने प्रेसिडेंट में से उनका हैप्पी बर्थडे था, विश किए। योगी जी चेंज करते रहते हैं, सही बात। योगी आदित्यनाथ जो है उनका अपना ही नाम किसी दिन चेंज कर देंगे, डीजल नाम रख लें, एडवान डीजल, ठीक है। हाँ विशाल पासवान SSC ग्रुप डिस्कशन में आ सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज विल हेल्प यू ओनली। एंड जो भी आपका वन डे का जिसमें भी जी के करंट अफेयर्स आता है, दिस इज़ माई गारंटी, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। बीच बीच में मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब के क्वेश्चन भी डिस्कस करते रहूँगी, और जनरल साइंस जिसमें बायोलॉजी आ जाता है, नॉर्मल फिजिक्स, नॉर्मल केमिस्ट्री, ये सब क्वेश्चन भी आप लोग जो हैं कभी कभी भूल जाते हैं। पूरा साल 11th 12th में भी साइंस पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन साइंस करने के बाद भी कभी कभी नहीं याद रहता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, दीज थिंग्स यू डोंट रिमेंबर। या फिर अगर मैं पूछ दूँ अचानक से कि भाई शेविंग फॉर्म में कैसा कोलाइड होता है, तो नहीं पता है, ठीक है। इमल्शन क्या है, पानी और दूध का मिलावट में इमल्शन कहते हैं, इसलिए पता है, ये नहीं पता है, ठीक है। तो वीवी गिरी जो है उनका 10 अगस्त को हैप्पी बर्थडे होता है, और डेथ बर्थडे होता है 24 जून को, इनका निधन हो गया था। आई एम नॉट मेकिंग फन, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू रिमेंबर। तुम अगर ठीक नहीं बोलोगे ना मजा आ रही। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ 3-dose COVID-19 वैक्सीन। 3 dose लेना पड़ेगा। अब तो कोविशील्ड में भी हो गया, मैंने कोविशील्ड लिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी बोलते हैं कि नहीं बूस्टर देंगे, पहला 2 देंगे बूस्टर नहीं वाले, तीसरा इंजेक्शन बोकेंगे। अपना भी नाम चेंज किया हुआ है, उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, चेंज करके योगी आदित्यनाथ किया हुआ है। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है। ये मुझे पता है कि वो गोरखनाथ मंदिर के थे, है ना। तो ये बताओ क्या होगा आंसर, ए बता रहे हैं। देखिए ए आंसर है जाइको कोविड। आप लोग कौन कौन वैक्सीन लिए बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, भाई को वैक्सीन लिए कि कोविशील्ड लिए हैं, किस सीधे स्पुटनिक ही मरवा लिए हैं, तो यही सब बताइएगा। और यही है 3 dose, इसमें ज़्यादा क्या ही बताएं। फिर हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, ये बताओ। ये क्वेश्चन ओलंपिक वाले में भी डाला मैंने। टाइम सर जो है वो 8 बजे से शुरू होता है क्लास, प्रोबेबली मतलब 1 घंटे का ब्लॉक्स होता है करंट अफेयर्स, और आपको डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे बताया जाता है, और जो चीज़ अगर न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है तो उसका स्टैटिक पोर्शन भी बताया जाता है। जैसे मान लो कि अचानक से कोई चीफ जस्टिस इंपॉर्टेंट हो गया, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कुछ आर्टिकल के बारे में बता दिया। काकोड़ी इंपॉर्टेंट था, तो काकोड़ी का मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, काकोड़ी के बारे में पूरा अच्छे से, इवन आज़ाद के बारे में भी क्लियरली बताया है। वैक्सीन नहीं लिए हैं, वाई टेक वैक्सीन, कोविशील्ड लिए हैं शाली भारद्वाज, कोविशील्ड लिए, ठीक है। तो ये जो है पेरेडी कुबर्टीन, PDC याद रख लेना यार, ठीक है। थोड़ा नाम याद करने में अगर दिक्कत हो गई, इनका स्टैम्प देख लो, रशिया 2013। तो ये एक फ्रेंच नोबल फैमिली में इनका जन्म हुआ था, ये स्टैम्प रशिया का है। तो ये इनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, ठीक है। सब डिज़ाइन डिज़ाइन किए थे, कैसे मॉडर्न ओलंपिक्स हुआ, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे ओलंपिक वाले क्लास में। बताओ कि सेंटर हैज एलोकेटेड हाउ मच फंड टू इम्प्लीमेंट द डीप ओशन मिशन। ये पता है आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है डीप ओशन मिशन में, और इसमें काफ़ी पैसा दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स और मेटल्स जो हैं वो ओशन के सरफेस पर मिलते हैं। सरफेस से उसको निकालना पड़ेगा, देश में डालना पड़ेगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत पैसा खर्चा हो रहा है। तो कितना पैसा खर्चा हो रहा है इसका सवाल पूछा जा रहा है, आंसर बताइए। अच्छा 18 साल से कम के बच्चे भी क्लास देख रहे हैं, गुड। अभी से तैयारी एकदम जोरों शोरों पे, वेरी गुड। तो 4077 crore इन 5 years इसको खर्चा करना है, ठीक है। खर्चा करने में और टेंशन थोड़ी है, अपना पैसा थोड़ी, सरकार जनता का पैसा है, निकलते लोग। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते, ठीक है। दिस इज अ थिंग,
और दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन गाइज. पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, बिल्कुल पसंद नहीं आया तो और शेयर कर दीजिए, क्या पता किसी और को पसंद आ जाए. कमेंट करिएगा, कमेंट में क्या करना है, होमवर्क कमेंट करना है. क्लास के बीच में मैंने बताया है कि चार वेराइटी ऑफ सिल्क मिलता है इंडिया में, फोर वेराइटी ऑफ सिल्क, जिसमें से दो का नाम बता दिया गया है, मलबड़ी और तसर. बाकी दो का नाम आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, कौन सा दो वेराइटी. एंड गाइस कम से कम लिखो यार, क्यों अभी जैसे क्लास खत्म हो रहा है, फटाक से गूगल करो, खुद तो बताओगे नहीं, लिख दो कमेंट सेक्शन में. बहुत तुम लोग का क्वेश्चन होमवर्क नहीं मिल रहा है ना. सब्सक्राइब करें चैनल को अड्डा 24/7, जो भी आपको बेस्ट लगता है उसको सब्सक्राइब.